उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के स्टॉक प्राइस के बारे में। फेडरल बैंक का स्टॉक प्राइस किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर अगला मूव क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट को हमें देखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर बात करें फेडरल बैंक की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब कभी भी आप इंट्राडे करते हैं ना, तो स्मॉल जो चार्ट पैटर्न है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 मिनट का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं या 3 मिनट का देख रहे हैं या 5 मिनट का देख रहे हैं, 5 मिनट का चलो ठीक है फेयर इनफ बोल सकते हैं इसको, लेकिन इससे नीचे का अगर टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं तो वहाँ पर जो पैटर्न बन रहे हैं ना वो पैटर्न आपको क्लियरली नज़र नहीं आते। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो बेसिकली 5 मिनट का या 5 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम आप जरूर से देख करिएगा। चलिए बात करते हैं आज की डेट में मार्केट ने जो मोमेंटम दिया वो किस तरीके का मोमेंटम था। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट के अंदर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। मार्केट के अंदर अच्छा अपसाइड का मोमेंटम था। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कितना मार्केट ऊपर गया है तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। मार्केट ने हाई लगाया, ठीक है, कितने पॉइंट का हाई लगाया, मार्केट गया 125 से यानी 2.5 पॉइंट के आसपास, 2.65 तक मार्केट गया। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसा नहीं बनाया, लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन बड़ी क्वांटिटी के साथ में उन्होंने अच्छा पैसा बनाया हुआ जिन्होंने अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करी है। अब यहीं पर अगर मार्केट की अगर मूव की बात करें तो मार्केट के अंदर अभी एक्सपायरी आने वाली है, तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर ना हमें क्या नज़र आ रहा है, ये इतनी अच्छी सेलिंग मार्केट के अंदर आई हुई है। तो अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा तो उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे थे ना उन्होंने अपना प्रॉफिट है ना बुक किया है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, जिसके कारण से क्या हुआ है मार्केट के अंदर थोड़ी सी सेलिंग के बजाय हमें बाइंग नज़र आई है। लेकिन उसके बाद भी देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मार्केट को थोड़ा नीचे और लेकर के आने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन मार्केट के अंदर माना जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मार्केट को दूसरे सेंस में अगर आप देखना चाहें तो मार्केट ने, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर एक रेंज बनी हुई है, एक रेंज मार्केट ने बना ली इस जगह पर, ठीक है। अब एक रेंज बना ली, अगर ये रेंज अगर ये नीचे को टूटती है, जिसकी उम्मीद मुझे ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फेडरल बैंक के अंदर एक डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अगर मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ तोड़ा, और पहली चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा ऊपर तक तोड़ने का मतलब क्या है, इस वाली कैंडल पर आपको एंट्री नहीं लेनी है, मार्केट के अंदर कन्फर्मेशन का वेट करना, और एक अच्छी ग्रीन कैंडल अगर आपको मिलती है तब आप अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चार्ट जो अभी तक दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट ने जब कभी भी इस तरीके से रिट्रेस किया ना, मार्केट नीचे ही आया, इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे आया फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अब मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है, तो उसके केस के अंदर मार्केट के अंदर यहाँ पे डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि ये चार्ट है ना, ये सेलिंग का चार्ट मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो सेलिंग करने में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सेलिंग के अंदर स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे मार्केट को, स्टॉप लॉस मार्केट को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट किस तरीके से मूव करता है वो किसी को नहीं पता, मार्केट अपने अपने तरीके से मूव करेगा, ठीक है। FIS और DIS जिस तरीके से मार्केट के अंदर जो पैसा डालते हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को मोमेंटम मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लान बना सकते हैं, क्या प्लान बना सकते हैं कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे अगर काम किया जाए तो मार्केट के अंदर बचा जा सकता है और अपने लॉसेस को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो किस तरीके से, देखिए एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के अंदर आप ड्रॉ कर लीजिएगा कल के लिए 125 का, ठीक है, 125 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर सपोर्ट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। और मार्केट के अंदर एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बना लीजिएगा जो कि है 130 का, ठीक है। कल यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इसके बीच में होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो अगर आप यहाँ पे देखें ना तो इस जगह पे मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया, इस जगह पे मार्केट ने रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे लिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस यहाँ लिया है, तो एक अच्छा लेवल है। उससे पहले भी आप देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा था, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक और जगह पे मार्केट यहाँ पे मूव करता हुआ नज़र आया, देखिए इस जगह पे और इस जगह पे भी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के लिए हो सकता है कल के डेट में। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, उस केस के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं वाइस वर्सा, ठीक है। बाकी अगर दूसरे केस में बात करूँ, ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है, कभी भी ट्रेड करने से पहले आपको क्या करना है, आपको पूरी अच्छी तरीके से अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ही आपको एंट्री मारनी है, अदरवाइज आप एंट्री मत मारिए, ठीक है। किसी के कहने से एंट्री मत मारिए, किसी को भी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होता,
जस्ट एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर जब कभी भी हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती है। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हाँ भाई 100% होती है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन चीज़ों से बचिएगा। वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हम कभी भी ट्रेड करने के लिए आपको नहीं बोलते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा करते हैं, उसके अंदर अगर आपको कोई लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।